से मेरे को लगा दरवाजा ही टूट जाएगा। अरे हवा अचानक कैसी चल रही है यार। चीज पहला हमने जो शॉर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों में से सबसे ऑलमोस्ट सारे लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा प्यार दिखा, नहीं दिखा तो जाके देख सकते हो। और दूसरी चीज फॉर द कमेंट्स एंड एवरीथिंग, आज यहाँ पर लूनर एक्लिप्स है। वैसे देखो प्रेगनेंसी में लूनर एक्लिप्स नहीं देखते, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मैं तो देख सकता हूँ ना। और हमारी खिड़की से अगर दिख गया तो और भी अच्छी बात है, नहीं दिखा तो हम नीचे जाके देख लेंगे। मैं जाके देख लूंगा क्योंकि रात को 1 बजे से 5 बजे तक अभी अपन को देखना कैलेंडर में, कब से सबसे अपन जो है वो अपन एडजस्ट करेंगे कैसा क्या करना। पता है पूरा दिन मेरा एंटरटेनमेंट क्या है, नहीं ना शॉर्ट्स ना रील्स ना बाकी के यूट्यूब वीडियोस देखना, शाइनेस को देखना, देखते रहना जब जो स्टमक को देखती है कि क्या विद एम्बिलिकल कॉर्ड, व्हाट इज दिस, व्हाई किकिंग सो हार्ड, और उसका रिएक्शन काश मैं हर रिएक्शन कैमरे में कैप्चर कर पाता, बट दिस इज समथिंग फॉर माय पर्सनल यूज, बट इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो एंटरटेनिंग एंड सो कॉमेडी। इमेजिन ना तेरे पेट में कंटिन्यूअसली कुछ ऐसा हिलते जा रहा है, कैसा लगेगा तेरे को। तो अगले वीडियो में करना है पर काम ऐसा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, तो ये वीडियो में करना था बट अपन अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ आज लूनर एक्लिप्स है, आज नहीं अपन कल करेंगे। आई थिंक यू शुड गेट अ पाइनएप्पल और पपाया। अभी हम कॉफी एंजॉय करते हैं, बहुत ही तगड़ी कॉफी बनाई है। ये कप का जादू है, शनिस के हाथ का जादू मुझे पता नहीं, बट आजकल मुझे ब्लैक कॉफी मिलना जो है, आई विल गिव यू गुड कॉफी, यू गिव मी अमेजिंग कॉफी, बट मुझे ब्लैक कॉफी मिलना बंद हो गया, तो दूध वाली पीनी पड़ेगी। हेल्दी रहता है बॉडी के लिए, टी और कॉफी दूध के साथ नहीं पीना चाहिए। आई मीन आप लोगों से बहुत लोग 90% पीते होंगे, बट मेरे हिसाब से नहीं पीना चाहिए, बट दिस टेस्ट गुड। मुझे पता ना यूट्यूब ने डिसलाइक बटन निकाल दिया, मतलब ऑडियंस के लिए, हमारे लिए। दूसरी चीज देखो पता है इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन बेल डाल दिया, वही बोल रहा था अभी, इंस्टाग्राम ने नोटिफिकेशन बेल नहीं, कुछ कुछ लोगों को अभी लाइक्स के काउंट्स नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं सबको हो जाने वाला है, वो अमेरिका में तो कब से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दूसरे हफ्ते बाद जब मैं कनाडा में था तो मेरे एंड्रॉइड फोन में लोगों के लाइक्स दिखना बंद हो गए, तो मुझे लगा प्रॉब्ली समथिंग टू डू विद बिकॉज़ आई एम हियर। आईफोन में नहीं हुआ लेकिन शानिस के फोन में कल से हो गया, मेरे फोन में अब तक हुआ नहीं, तो शायद मैंने अपडेट नहीं किया इंस्टाग्राम, मैं अपडेट करूंगा शायद मेरे फोन में भी हो जाएगा। आप खुद अपना लाइक्स देख सकते हो, और किसी और का रील्स का लाइक या व्यू देखना है तो उन लोग के वो रील्स वाले आइकॉन पे जाके देखो, सिर्फ व्यूज दिखेगा और कुछ नहीं, लाइक्स भी दिखेगा, अरे हाँ हार्ट्स दिखेगा दिखेगा। एक्चुअली चीज़ अच्छी भी है बुरी भी है, बुरी तो आपको पता है क्यों, अच्छी क्यों, क्योंकि बहुत ये जब 2 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था अमेरिका में, बोला था 2 या 3 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर, सो बोला था कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं ना, बिकॉज एवरीबडी इज बिकमिंग अ क्रिएटर, थोड़ा मेंटल हेल्थ अभी एवरीबडी इज बिकमिंग क्रिएटर, तो वो चीज़ इफेक्ट करेगी, बिकॉज हम जब उठते हैं अपना फोन देखते हैं, मैं तो शानिस को अभी रूल डाला है कि उठने के बाद फोन नहीं देखने का, हाँ कॉल करना है, आज नहीं देखा ना, रेडी होने का उसके बाद फोन हाथ में लेने का, तब तक बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ये एक चीज मुझे इसकी पसंद नहीं आती कि जब भी इसको खोलो या बंद करो, अगर बहुत फास्ट खोला या बंद किया ना तो उसमें से एक निकल जाता है, बहुत सारे कबर्ड में पड़े हैं, तो पहले जो है इसको साला फिर डालना पड़ता है इस तरह। ये जो आप में से किसी के पास तो होगा ये, तो ये ऐसा ही होता है कि ये वाला खराब है पर्टिकुलरली, आई नो, तो मेरी मम्मी और इसकी मम्मी तो सबने बोला, आप कुछ कुछ लोगों ने मेल भी किया कि आज बिकॉज चंद्र ग्रहण है सो अगरबत्ती जलाना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लाता है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पास अगरबत्ती नहीं है। मैंने पढ़ा कि लोटा रहता ना पानी का, हाँ। या एक बकेट ऑफ वाटर, उसको बाहर रख देने का मून में, फुल लाइट चार्ज होएगा, हाँ, और उसके बाद में जब उससे नहाते तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा फिल होता है, वो भी कर लेंगे। तो मैं अभी मुझे पता नहीं कौन सा स्टोर में है, और शायद शुरू में गए थे, मैंने ओम को पूछा तो फॉर्चुनेटली ओम आ रहा है, तो ओम ने बोला आप बाहर मत निकलो मैं लेके आता हूँ, और बख्शीश भाई भी आएंगे, तो क्योंकि शाइनिस बाहर ही निकल सकती है, तो व्हेन दे विल कम रात को, अब 1 बजे से 5 बजे तक है कनाडा में, टोरंटो में कभी, और देखो बाहर का हालत देखो, बादल दिख रहे हैं आपको, तो अगर ये बादलों ने घेर लिया आसमान को तो मेरा पपट पचका हो जाएगा भाई, फिर तो कुछ नहीं दिखेगा, फिर तो सिर्फ काले काले बादल दिखेंगे, ये लोग गैप के बीच बीच में से मून दिख गया तो मजा आ जाएगी। तो हम लोग अपना सूटकेस साफ कर रहे थे, इसके नीचे हमारे 4 सूटकेस हैं, तो ये देखो क्या मिला, टंग क्लीनर, ये शानिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम में से आप में से बहुत लोग टंग साफ नहीं करते रहेंगे, नॉर्मल चीज होगी, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन शानिस इसके बिना रह नहीं सकती, लिटरली वो डिप्रेशन में आई थी, तब जाके मैंने यहाँ लोकल मार्केट से क्या लिया था, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये बगल में बच्चा गाँव में ढिंडोरा वाला बात हो गया, तो लोकल मार्केट से ये टंग क्लीनर हमने यहाँ से लिया था, इंडिया में हम यूज करते हैं उसको वही पसंद है, मतलब झगड़ा किया था इसने मेरे से, ढूंढ के दे, तो आज जाके मिला ही। आफ्टर टंग क्लीनर शानिस ने मेरा दिमाग खराब किया कि उसको उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था जो कि हमारे गाड़ी में था बेबी के बैग के अंदर, और फाइनली वो मिल गया, और उसमें उसका ऐसा भी था, और ये जो बॉटल हीट करने का सब कुछ ले लिया मैंने, लिटरली शानिस ने मेरे को मतलब दिमाग खा गया मेरा, मुझे अब भी चाहिए, मतलब वो इतना प्यारा है तो अपने अच्छे से बैग में क्यों नहीं रखती। और एक चीज़ मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई है, पहले कभी नहीं थी,
मेरे भाई से क्यूट बेबीज ना, मतलब मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ उसकी मम्मी लोगों को, वेरी ब्यूटीफुल बेबी, वेरी नाइस बॉय, वेरी नाइस दिस. मैं शायद से बोलता था डजन लुक वियर्ड ना, बोलती नहीं मदर लाइक्स इट, मतलब इफ दे लाइक इट बिकॉज दे स्माइल बैक एंड दे खुश हो गई वो चाइनीज लेडी. हाँ तो मैं एक बहुत प्यारी बच्ची थी उसकी, इतनी प्यारी और ऐसा कैसा चबा रही थी कुछ. मैंने बोला वाह शी सो ब्यूटीफुल, मतलब शी सो ब्यूटीफुल, शी सेड थैंक यू एंड हाउ मेनी मदर, मतलब शी इज नॉट लुकिंग वियर्ड ना, बोलते उन्होंने. सो क्या मैंने कभी किया नहीं है ये चीज़, तो मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए नॉर्मल नहीं है. मेरे को बहुत ऐसे एंगजाइटी हो जाती है बिकॉज फॉर मी आई बिलीव इन कीपिंग डिस्टेंस, आई डोंट टॉक टू एनीबडी, बट सो नाउ व्हेन आई एम लाइक I'm sorry guys, but this is something which is, I want to share it in front of the camera. Probably when I or anyone of you will watch it from the future, they will say, Nikhil kaisa tha, abhi kaisa ho gaya. Right, Janice? Yes. पहला वाला व्लॉग जो आपने देखा मैं अभी एडिट कर रहा था, तो मुझे ज़ीशान अब्दुल भाई का पार्ट इतना अच्छा लगा, तो उन लोग मुझे वीडियो भेज रहे थे जस्ट इंस्पेक्शन कर रहे थे बाइक को, तो उन्होंने मेरे रेफरेंस के लिए भेज रहे थे. तो मैंने बोला कि भाई ऐसा शूट करना कि मैं उसको व्लॉग में भी यूज़ कर सकूँ, और मुझे पार्ट इतना अच्छा लगा, आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को भी बहुत एंटरटेनिंग और अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़ीशान BMW में बैठा नहीं तो उसको पता नहीं था कौन सा बटन दबा के क्या चालू करना है. सो इतना हिलेरियस था वो पार्ट, मैंने बोला मैं डेफिनेटली व्लॉग में डालना चाहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगा थोड़ा बहुत. मुंबई वो देखते वो छोटी चीज़ देखते देखते मुझे मुंबई की इतनी हाँ जाने से याद आ रही थी, वो टेंट, वो अपनी बाइक, वो अपनी बिल्डिंग, हमारी ऑडी, अरे हमारा सब कुछ, बिल्डिंग, घर, सब कुछ. तो मम्मी मुझे अलग से वीडियो भेजती थी, जब भी मम्मी जाती है हमारे घर में पूरा वीडियो भेजती है मम्मी, अपना घर का, बिल्डिंग का, सबका दिवाली मौका वो भेजती रहती है. लेकिन ऑफकोर्स हमारे पर्सनली इसके लिए, बट ये चीज़ मुझे बहुत हिलेरियसली लगी, इसके लिए मैंने ब्लॉग में डाला, तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी डेफिनेटली. फ्यूचर निखिल आई होप सब मस्त चल रहा हो. ये देखो अभी यहाँ पर ये सब ऐसा रखा है, तो मैंने शानिश को बोला था मेरा प्लान अच्छा रहेगा जब बेबी को घुमा वाना तो यहाँ पर कैमरा रख दूंगा, सही है ना. शानिश बोलती सर बेबी का सामान रहेगा उधर, बट कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट रख सकते हैं ना, आई एम श्योर यार, तो यहाँ एडजस्ट करके रख दूंगा. एक्चुअली कोई मैं ब्लॉगर देख रहा था, है ना, नहीं मैं ब्लॉगर देख रहा था, वो अमेरिकन ब्लॉगर जो बड़े कैमरे से यूज करते थे, तो नीचे रख देते, यूजुअली फोन से करते हैं अपन इंडिया में बहुत ज्यादा, बहुत मैं भी करता करूंगा, लेकिन कैमरे थोड़ा अच्छा आएगा ना, क्यूट क्यूट आएगा, मतलब मैं कितना अच्छा फ्रेम आएगा ये ऐसा वाला. नहीं जानिस हाँ. क्या सोच रहा हूँ मैं भी यार हाँ. ये देखो इसको आजकल जैकेट गाड़ी में रखना चल, अगर मेरे को तो चैलेंज दो, नहीं है प्रेगनेंट चैलेंज नहीं दे सकता, पर अगर तू प्रेगनेंट नहीं होती मैं तेरे को चैलेंज देता कि भाग 4 डिग्री में चला, चलती मेरे साथ. मैं तेरे को एक गुच्ची का बैग दे देता, तो एक क्या नाम है तेरा, चार्ल्स सॉरी डियोर, क्रिस्टियन डियोर का बैग दे देता, तो सोचती तो कैसी है यार ये लड़कियों को ना ये बैग्स का लालच देना, पागल हो जाते हैं. फ्यूचर में कैसे काम निकालना मुझे मालूम है अभी, तेरा बिलीव नहीं करती हूँ मैं. ना सीरियस नोट टू ऑल द बॉयफ्रेंड्स एंड द हस्बैंड्स आउट देयर, आप अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए कौन सा लालच देते हो ये मुझे जरूर कमेंट में करना. अब ये मत बोलना कि हमको लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं, कोई ना कोई मोड़ आता है जब लालच देने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता. लालच सिर्फ गिफ्ट्स का नहीं होता, वो लालच टाइम का होता है, खाने का होता है. ठीक है मैं तेरे साथ तेरे इन लॉज के पास बैठ जाऊंगा, या फिर चल ठीक है मैं शादी में ये कपड़े पहन लूँ, कुछ भी होता है. हम ये मूवी देखने जाएंगे, ये मत सोचो कि मेरे लिए, बाकी के लोग भी जो पढ़ रहे रहेंगे उनके लिए भी एक रेफरेंस हो जाएगा वो. आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नीचे जाओगे तो आपको रिसाइकिल वाला गार्बेज डब्बा मिल जाएगा, और ये मेरे को मिल गया इधर, ये रहा और ये रहा. अच्छा तो ये यहाँ पर यहाँ ला के फेंक दूंगा मैं. थैंक यू जिसने भी कमेंट किया कनाडा से, ठीक है. मेरी बीवी को भी थैंक यू, और जिन्होंने कमेंट किया उन लोगों को भी बहुत बड़ा थैंक यू. और कुछ फेंकना है तेरे को. और आज एकदम अनबिलीवेबल हवा चल रही है, मैं पता नहीं सकता कितना होता, इतना ठंडा मुझे लद्दाख में लगा नहीं. चैलेंज तो वहाँ पर जाके छुप गई, अब क्यों छुप रही है, अब क्यों छुप रही है, कहाँ गया तेरा क्रिस्टियन डियोर चैलेंज, बोल अभी करेगी. मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए. ओह गॉड, ओह गॉड, आई टोल्ड यू डोंट क्रॉस. भाई साहब जम गया मैं तो, सब कुछ जम गया, इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई, इस साइड में हमेशा आती है. बाहर अभी भी काफ़ी हवा चल रही है, और हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठ गए, कि वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम जब घर पे शिफ्ट हुए थे तब यहाँ पर आए थे, एंड वी रियली लव्ड इट. यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह 4 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, जो कि सिर्फ $7 का है, अनलिमिटेड ब्रेक, $6 का सॉरी 6.5, टैक्स मिला के 7.5. हम लोग अभी तक आए नहीं, हम लोग कब तब से बोल रहे हैं हम लोग आए, आज बख्शीश भाई ओम भी आएंगे तो उनका वेट ही करना था, मतलब लेट अस वॉक आउटसाइड एटलीस्ट ट्रीट अस है, तब तो वो भी आ जाएंगे. और ये खाना खा के हो गया, और ये हमारी निशानी है, और शाने सिर्फ बाहर देख रही है, और वो पेड़ को हिलता हुआ देख रही है, और उसका रिएक्शन मेरे को लगा है दरवाजा ही टूट जाएगा. अरे हवा अचानक कैसी चल रही है यार, सही बोला था सबने यार, ठंडा और हवा मतलब ख़त्म. अभी माइनस में होगा तो भाई अब बंद कर देंगे.
दरवाजा ही तोड़ दिया मैं। उसका भी जुगाड़ निकाल लिया मैंने, हमारे प्रिय सब्सक्राइबर ने, आप में से किसी एक ने मुझे मेल किया था, बोला था निखिल भाई हीटेड जैकेट आता है, बोले सर इतनी ठंडी हीटेड जैकेट आता है वो ले लो, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया, वो भी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ पर विंटर में बालकनी मतलब कंप्लीट यूजलेस भाई साहब, कंप्लीट कौन आएगा बालकनी में मुझे नहीं पता, मैं तो जाने की हिम्मत ही नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। जो एक कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है मुंबई का शानिश, कैसा लग रहा है आपको, आपको पूछो मत बस चलते रहो, ठंडी कैसे फील हो रही है, आपको चुभ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, हाँ मजा आ रही है क्या, आप सजेस्ट करो कि सब्सक्राइबर को ठंडी में यहाँ पर आने के लिए नहीं क्यों नहीं करोगे, जैकेट पहन सकते हैं हम पागल है, तुम मत आना। और ये मून मुझे दिखने के आसार लग नहीं रहे, हाउएवर हमारे पास और 4 से 5 घंटे हैं, तब तक शायद बादल क्लियर हो जाए। किधर हो आप अजय, आप X7 ना ये, हाँ ये रहेगा इधर आपके पीछे। एक्चुअली बख्शीश भाई उनकी पूरी फैमिली आई है, बख्शीश और ऋषि जो आया था ना उस दिन, उनके बड़े भाई है मुंबई में, अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो सुरन बाजी के साथ हमने जिनके वजी आ गए ना उनके साथ देखा ही होगा, और ये उनको वहाँ पर पार्किंग मिल गई। एक बहुत अच्छी बात है, जब हमने ये बिल्डिंग ली थी ना तो हम लोग को लगा नहीं था, लेकिन हमारे पास गेस्ट पार्किंग भी है जो कि पूरा दिन रख सकते हैं गाड़ी, तो ये हमको लगा था कि इतनी यूज़फुल रहेगी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के बाद हमारा घर जो है पूरा पूरा का पूरा हाउसफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और शाइनेस को कॉम्पिटिशन मिल गया है इसमें, फ्रेंच में से समथिंग इन फ्रेंच टू हर, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली मैं तो है ही नहीं, आई एम वेरी फार इन द कंपटीशन, मुझे तो बहुत केस लेती है मेरा लोग, वो क्या लिखा है पढ़ के दिखा, मुझे मालूम है, वेरी हैप्पी टू शी नो सो मच मोर देन आई डू। से हाउ आर यू इन फ्रेंच, बोंजोर कोमो सा वा जेदी सावा बियोन। एक्चुअली लगा था कि आपके अलावा या मेरे फैमिली के अलावा और कोई भी एकदम इंटरेस्टेड रहेगा जेंडर जानने के लिए, ये इनको जेंडर रिवील चाहिए था, तो मैं जेंडर रिवील तो नहीं बताऊंगा लेकिन मेरी प्लानिंग क्या है वो मैंने इनसे शेयर की। So, मैं अभी कैमरे के सामने पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ बॉय और अ गर्ल? आई थिंक इट्स अ गर्ल। व्हाई आर यू बीइंग जनरलाइज्ड? नो, इट्स जस्ट व्हाई यू से इट्स अ गर्ल, यू आर फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग दैट इट्स, बिकॉज़ शानिस टोल्ड मी दैट एवरी गर्ल एवरी सिस्टर वांट्स अ सिस्टर, सो भेदभाव हो रहा है इधर, राइट, यू बीइंग फेमिनिस्ट? नो, नॉट लाइक दैट, इफ इट्स अ बॉय, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गर्ल, आई विल बी हैप्पी एनी गर्ल, यू वांट अ गर्ल? आई वांट वन, आई थिंk इट्स अ गर्ल cuz I don't know. You don't want a brother? What if it's a boy? I'll be no, he'll protect you. He'll be strong. You'll be the brain because future to aap log ka hi hone wala hai. You know, you can learn many languages. And you can always be superior to your brother. इसे नहीं है, ये पहले से है, आई जस्ट लव टू प्ले विद किड्स स्पेशली, जो कि एकदम उतना समझदार एकदम खतरनाक बच्चे होते वो, और ये तो बहुत ही अच्छे थे। तो अभी बख्शीश भाई का बर्थडे आ रहा है तो शायद उनके घर पे जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया गोद भराई के लिए, तो वो भी करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एनीवेज अभी ओम लाया है मेरा और एक पार्सल, बिकॉज ओम के वजह से मेरे पार्सल जो है टाइम पर आ रहे हैं, तो ये रहा ये। थैंक यू ओम, ओम ने अपने पार्सल गलती से पुराने एड्रेस पे भेज दिए अपने खुद के, हाँ, और मेरे प्रॉपरली आ रहे। टुडे वॉज सरप्राइजिंगली अ डे फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एक जब आपका पूरा पॉजिटिव डे जाता है ना, ओह मज़ा आ जाता है। उसमें से आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी मस्त चीज़ों की बोल रहा था, हीटेड जैकेट, तो ये रहिए हमारा आ गया प्रॉपर हीटेड जैकेट, पावर बैंक अटैच करने का, बटन दबाने का, और जैकेट जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा। राइडिंग के लिए नहीं, यहीं पर है, तू पहनेगी ना, वो ठंडी लगी, तेरे पास अच्छा जैकेट है, ये देखो। तो बेसिकली ये हीटेड जैकेट है, इसमें आपको यहाँ पर बटन दिख रहे हैं, ये बटन है, ये बटन दबाने का, कौन सा पार्ट चाहिए आपको, फ्रंट बैक जो भी चाहिए, और जेब में पावर बैंक डाल देने का। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो देखो अंदर ऐसा है पूरा एकदम अच्छा एडवांस्ड है, इसको राइडिंग में भी पहन सकता हूँ, जो अब्दुल भाई के पास था अपना ऊबर का खाना डिलीवर, क्या है कुछ भी बोल दिया, अभी तो मैंने ऑलरेडी हुडी पहना है तो उसके ऊपर तो नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई, ओ या दिस फिट्स एंड दिस गोना बी वेरी वेरी वार्म, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस, अभी नहीं आपको बताऊंगा। तो ये चलो, ये बहुत अच्छी चीज़ आई। दूसरी जो चीज़ है, और ये शॉपिंग विल एंड और नो, मैं शॉपिंग विल एंड है यार, बनता है अभी, ये इंडिया में नहीं मिलता तो क्यों नहीं ले, रोज एक एक रोज एक एक चीज इसलिए आ रही है बिकॉज एवरी डे मैं पागल हो गया हूँ। ऑर्डर आने को टाइम लगता है, आपको ऑर्डर देना पड़ता है, तो मैंने बोला जब एक्सटेंड हो ही गया इधर तो माइट एज वेल मैं ऑर्डर दे देता हूँ। सकता है जानस गैस, ये है वाइजर, तो ये BMW के ऊपर आएगा वाइजर, और ये लग रहा है बहुत बड़ा, एक्चुअली हरी डेविडसन का, बट कोई नहीं, हम जुगाड़ करके इसका जो है प्रयोग कर लेंगे। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी मेरे, जो कि मुझे लगता नहीं इंडिया में ये एक्चुअली किसी के पास फिलहाल होगी, बिकॉज एकदम लेटेस्ट है। देखा होगा कि जब भी मैं बाइक BMW चलाता तो उसके सामने मैं फ़ोन लटका देता हूँ, उसमें चार्जिंग भी कर सकते हैं वायर से, लेकिन अभी आजकल का सारा फ़ोन क्या हो गया है, वायरलेस,
तो ये वाली जो चीज़ है इसमें वायरलेस चार्जिंग है, मतलब उसको लगाने का और ये वायरलेस चार्ज करेगा। हाउ कूल इज दैट, कोई टेंशन ही नहीं, मज्जा नहीं लाई। अनबॉक्सिंग देखते तो इन लोगों को भी मज़ा आता है, तो अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाओ। ओम बोलता है हैव टू बी केयरफुल इसमें से धुआं हुआ ना निकले। नहीं भाई, मेरे एक फ्रेंड के पास जैकेट था बट फुल वाला जैकेट नहीं था, तो ये बटन इधर ये इस दबा के रखने का, शायद ख़राब तो नहीं हो गया। हाँ ये हुआ चालू। ये क्या है इसमें लिखा है, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड, तो बैक साइड दबाते हैं अपन और देखते हैं कि कितना ज़्यादा काम करता है, मालूम पड़ेगा। दिस लुक्स कूल। अगर ऐसा बटन दबा के पूरा मैं जगमग होता था, सारा जमाना यहाँ पर हो रहा है और बैक में हो रहा है और यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। नाइस डूड, इधर राइडिंग गियर के और इधर भी गर्दन में भी हो रहा है यार। तो ये वेबसाइट के मुताबिक प्रॉपर जो चालू होगा बजेगा 1:05 पर, आपको देख सकता है ये जैसे ही ये पूरा कवर हो जाएगा ये प्रॉपर 2:10 पे। बट अभी भी काफ़ी क्लाउड्स हैं तो फिंगर्स क्रॉस शायद आधे घंटे में हट जाए, तब देखेंगे बाहर जाके। बैड लक गाइस, मतलब ये बादल तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे यार, थोड़ा तो हट जाते हैं यार। अभी चालू हो गया है जो अभी 2:00, तो अभी प्रॉपर होना चाहिए था, बट यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो पचका हो गया अपना तो यार।